अकबर तो मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकता। ना तो पहले कैसे की थी? हाय बेजी, वो और बात थी, आप पुरानी गल ना छेड़ा करें। मेरी डॉटर को एड्रेस नहीं, क्या हो गया? स्पीकती भी नहीं है, लाफती भी नहीं है, स्मेलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तुझे अपनी शबों के लिए मेरे अकबर का रिश्ता मंजूर है? व्हाट? अकबर और शबो? हाय बाजी, कितनी सोनी जोड़ी है। आए चन, चन सूरज की जोड़ी है। आप भी अच्छा खासा खेल लेते। अच्छा, वो तुमने मुझे कब खेलते देखा है? और कौन सा खेल खेलते देखा है? दिल तो मेरा चाह रहा था कि कस के चपेट उसके बूथे पे मारूं, और वो बतूल, उसकी तो गुद का एक बाल मैंने नहीं छोड़ना, अगर हाथ खड़ा गई तो। मामा, मामा कुछ नहीं होगा पापा को। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक हैं। जरूरी नहीं है मामा के उन्हें हार्ट अटैक ही हुआ हो। हम जा रहे हैं ना पापा को देखने, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ वो कर रहा था ना, उसका नतीजा यही होना था। नाश्ते में चार चार पराठे, अंडे, हलवा पूरी, लस्सी, और दोपहर को चार कुलचे, सालन, मुर्गियाँ, रात को पुलाव और खीर, और फिर सोने से पहले पिस्ता बादाम वाला दूध। ये होना था, मुझे पता था ये होना। मामा रिलैक्स हो जाए, कुछ तेरा बेड़ा कर जाए। नी नी तेरा कख न रहे मनुष्य, नी नजर तो उसको लगनी थी, नी तेरे जैसी जनानी अपने घर वाले दी एक एक बुरकी गिनती है, ओदे हलवे गिनती है, ओदे एक गिलास ते नजर नु नजर ते लगनी सी। लोको मेरे हाथ नु दिल दा दौरा पै गया। बेजी बेजी कंट्रोल करे, कुछ नहीं हुआ बाबा को, मैं और मामा जा रहे हैं बाबा को देखने। नी नी फैशन पिटिए, नी बड़ी पाडी ना बांध, मैंने नहीं इसका जाने देना। देखते सही अपनी माँ वालों, नी काला लिबास पा के, मातमी लिबास पा के मेरे पुत्र को चली है। नी इसकी तो नजरे पत्थर फाड़ दे, वहां जाके गिरेगी। उसको इतनी बोतलें लगी हैं, उसे इतने कैप्सूल खाए हैं, उन्हें नी गोलियां खा दिया ने। नी मैंने इसको नहीं जाने देना। बेजी बेजी कंट्रोल करें खुद को। क्या क्या, मैं नहीं जान देना। मेरा पुत्र अस्पताल पे है, मैं नहीं मनुष्य है, मैं इसे नहीं जान देना। जाकर काला लिबास पा के चली है। वो मैं सोच रहा था डार्लिंग, वो तुमने एक फरमाइश की थी, और तुम फरमाइश करो और मैं पूरी ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुम जहाँ कहोगी हम अपने हनीमून के लिए जाएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि सवात बहुत खूबसूरत है, वहाँ चले? नहीं, सवात में सैलाब आया था। अच्छा, तो फिर हम अबटाबाद, मानसरा या कश्मीर भी जा सकते हैं। तो नहीं नहीं, वहाँ पे भी 2005 में जलजला आया था, नॉट सेफ। 2005, उसको तो काफी टाइम हो गया। हाँ, मगर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और वही गवर्नमेंट, वही ये हमारी गवर्नमेंट ने तब से अब तक कोई फ्लाई काम नहीं किया भाई। टूटे पजे पुल, तबाह हुई भी सड़कें। इडियट, समझता है इसके ड्रामे का मतलब नहीं समझती मैं। मिस्टर असगर, तुम कितना भी मुझे डरा लो, लेकिन बाहर जाने का ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। और तुम फिक्र ना करो डार्लिंग, और दुनिया में ऐसी कोई ना कोई तो खूबसूरत जगह होगी ना जहाँ पे हम अपना हनीमून मना सके। बिल्कुल होंगी, पूरी दुनिया में, इस मुल्क में, जैसे मरी मरी। मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत जगह है, तो ना कभी जलजला आता है और ना ही वो सैलाब। तुम्हें गलत इत्तला है,
और वहाँ पे सैलाब रोजाना आता है करोड़ों की तादाद में लोगों का, और मेरी जान और वहाँ पे हनीमून मनाना ऐसे है जैसे किसी मजमे या हजूम के दरमियान बैठ के अपना हनीमून मनाए। लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत जगह है और नाम भी कितना खूबसूरत है, मरी। मगर वहाँ पे तो पेंडू जाते हैं। हाँ तो तुम भी तो पेंडू। पंजाबी। मेरा मतलब है कि हम भी तो पेंडू है ना। असगर, असगर पुत्र, हातम भाई अस्पताल में है। असगर, असगर पुत्र, तेरे चाचे को ना दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में है, चल जल्दी से गाड़ी निकाल चले, आजा। बाबा को क्या हो गया? चुप करो बेटी, चुप करो, दुआ करो लमिया से सब खैर हो बस। बट मामा आज से पहले तो बाबा को कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाचा जी को भी आज का ही दिन मिला था हार्ट अटैक लाने के लिए। चाचा की बीमारी से देखो ना, इसकी कैसी हवाएं उड़ गई हैं, पसीने छूट गए हैं। बेटा सब ठीक हो जाएगा, खैर खैर की दुआ मांगो। इतने अहम मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, पैसे भी लगे हुए हैं मेरे, चिंगम की तरह चिपका होना चाहिए था मुझे टीवी स्क्रीन के साथ। पता नहीं ये मसला कहां से चिपक गया, पता नहीं ये बज की गाड़ी कहां रह गई है। और नहीं घूमते वो दादाजी को रास्ता आता है की बात नहीं है, वो साथ भेजी है ना, हर 10 मिनट बाद तो गाड़ी रुकवाती है, उन्होंने रुकवाई होगी या बाथरूम के लिए या फिर बोतल पीने के लिए। बट मामा आई डोंट अंडरस्टैंड, हम इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में क्या इतने सारे विजिटर्स को एक साथ विजिट करने अलाउ करते हैं? वो प्राइवेट अस्पताल है जी, सब अलाउ होता है। वो इतने पैसे जो लेते हैं किसी 5-स्टार होटल के कमरे से कम है? वो इतने पैसे जो देगा उस पर अपने वो सहूलतों नहीं लागू कर सकते। आपको पता है अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे पिंड को उठा कर ले जा सकता हूँ, तब भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बाबा, बस बेबी बस, बेटा बस हौसला करो। मैं क्या हौसला करो, अल्लाह खैर करेगा। चले जी आगे अस्पताल। आहिस्ता से बेटा, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके चलती हूँ। आजा बेटा तुम भी। परेशानी की कोई बात नहीं है, छोटा सा हार्ट अटैक था, डॉक्टर कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर ने जरूर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का कहा होगा, मुझे पता था, मुझे पहले ही डर था कि ये हातिम का नदीदा बन कोई ना कोई रंग जरूर जाएगा। मॉम प्लीज लीव दिस। अच्छा अस्कर बेटा, तुमने किसी अच्छे से हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की? हाँ वही कर रहा हूँ ना। अच्छा उसकी क्या जरूरत है, डॉक्टर नियाज शहर के सबसे बड़े दिल के डॉक्टर है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मगर अगर दूसरा मशवरा कर ले तो बेहतर होगा। हाँ, वो दिल का दौरा बहुत छोटा मगर फिक्र वाली बात तो है ना। क्या हुआ, मिल गया सेकंड ओपिनियन? हाँ मिल गई मिल गई। तो क्या कह रहे डॉक्टर? और यही कि बाकी मेरे को फिक्र वाली बात नहीं है, ऐसे छोटे मोटे हार्ट अटैक तो बड़े बड़े लोगों को होते रहते हैं। क्या हुआ असगर? ग्रीन बोल्ट? व्हाट, ये कैसी बातें कर रहे हो? और मेरा मतलब कि वो हमें पेशेंट के साथ कौन है, मजीद दवाइयां मंगानी है। हाँ जी मैं हूँ। और खाओ गोंगलू गोश्त, धनिया डाल डाल के, गरम मसाले डाल डाल के खाओ। गोंगलू तो दिल के लिए अच्छे होते हैं। हाँ गोंगलू दिल के लिए अच्छे होते हैं, गाजर आंखों के लिए अच्छी होती है, पालक जो है वो खून बनाती है, देसी मुर्गी जो है वो हड्डियों को फर्क डालती है, और पाए पाए क्या करते हैं, पाए जोड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें तो पता ही है हर बात का, बस खाते जाओ ठूसते जाओ ठूसते जाओ, ये भूल जाना कि अपना हशर क्या होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हार्ट अटैक हुआ है, खुदा का खौफ करो, इस हालत में तो ना डांटो। मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि तुम्हारी इस बीमारी की वजह से हमें बेजी और अब्बा जी एक आध महीना रोक ना ले, मैंने नहीं रहना यहाँ पे, मुझे नहीं पता, चलो यहाँ से। सच? एक आध महीना और? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है झूठ बोल बोल के तुम्हें पक्की आदत पड़ गई है, जैसे तुम्हारा वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। मत भूलो कि वहाँ तुम कैब चलाते हो और हमारा गुजारा सिर्फ उस कैब पे है, या फिर मेरा वो फूड कोर्ट का स्टॉल जो शायद जमुना दास ने किसी और को दे दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट पे।
खाका के चूसने से पहले बीमार होने से पहले ये सोच लेना था कि हमने वापस जाना है और वापस जाके तुम्हें टैक्सी चलानी है। डॉक्टर ने मुझे टेंशन लेने से मना किया है और तुम हो कि सिर्फ टेंशन ही दिए जा रही हो जब से आई हो। वहाँ जाके ड्राइविंग करनी पड़ेगी, ड्राइविंग तो मेरी टेंशन है। तो यहाँ क्या है, यहाँ टेंशन नहीं है, यहाँ रहना सबसे बड़ी टेंशन है। मैंने नहीं रहना यहाँ, बस चलो यहाँ से जल्दी, मुझे नहीं पता। बेकी चुप करो, पापा की तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं भी ना। पापा की तबीयत अब ठीक हो गई है और अगर तुम्हें इस बात पे रोना आया तो रोती रहो। शट अप सर, मैं तुम्हारी तरह बेहस नहीं हूँ। सही कह रही हो, एक तुम बेहस नहीं हो और एक तुम्हारा ये हस्बैंड। पापा की परेशानी मैंने सुबह से एक दिवाला नहीं खाया, सुबह से भूखी हूँ मैं। उल्लू के पट्टे, और तुम्हारे कहने पे सारा मैच पे पैसा लगाया था मैंने, क्या मतलब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी बाजी उलट गई, मेरी तो सारी रकम डूब गई ना यार। एक तो शायद अफरीदी ने सारे चौके चक्के आज ही लगाने थे सारे मैच का। क्या मतलब है यार, मैं मैच देखने नहीं आ सकता, और मेरे चचा की तबीयत खराब है। इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। बाबा, आपने फिर से अपना बीपी बढ़ा लिया। ऐसी नर्सें देख के बीपी सिर्फ हाई हो सकता है। और अगर आप वापसी पे उसी फ्लाइट पे गए जिससे आप आए थे और वही वाली एयर होस्टेस अगर आपको मिल गई और उसको देख के, तो आपका बीपी डेफिनेटली बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हाय मत बात करो उसकी वैसे, लेकिन तुम्हारी माँ को देख के फिर हाई हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है, ये लगता है सारी रिटायर्ड स्कूल टीचर्स जो है ना, ये एयर होस्टेसेस बन जाती हैं या अस्पताल में नर्सिंग। चाचा जी, डॉक्टर ने मना किया, आप ज्यादा बातें ना करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। सॉरी। ओके, क्वाइट टोटल। ये क्या कर रहे हैं आप? फूंक रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? नो 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 नो, डोंट डू दिस बाबा, दिस इज वेरी अनहाइजीनिक। ऐसे नहीं कहते, कलामे इलाही की तासीर से हर चीज पाक हो जाती है। अब देखिएगा चाचा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक कह रहा पुत्र, अगर ये वहां ना पहुंचता ना तो मेरा कोई पता नहीं था, मैंने डायरेक्ट ऊपर चले जाना था। खुदा ना खास्ता चाचा जी, ऐसे तो ना कहें, ये हुक्मे इलाही था, इसीलिए तो मैं आपको अस्पताल लेके आया। और आपकी तबीयत ऐन मैंने मदरसे के सामने खराब हुई, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदा रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे। आए अस्पताल तो बड़ा अच्छा है पर जरा खाना इधर ठीक नहीं है, जरा चेक तो करो अंदर से कोई यार कुकड़ शुकड़ मिल जाए। चाचा जी अच्छा मैं देखता हूँ। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, डॉक्टर ने कहा है कि सुबह डिस्चार्ज कर देंगे तो फिर परेशानी की क्या बात है, कुछ खा लो बेटा, कब तक भूखी रहोगी। हाँ ये खा लो सैंडविच, वो असगर लेने गया है वाली गरम गरम कॉफी। और हाँ बेटी की सुन लो, कमाल की उन्होंने आलू के पराठे लेकर यहाँ आ गए हॉस्पिटल में, जस्ट इमेजिन आलू के पराठे। पापा की हालत इतनी खराब है और आप लोग मजे से बैठ के खाना खा रही है, मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं वॉक करके आती हूँ। लाइफ च खाली है सजना, ते आजा रल मिलिए, ढोल धमका मचा के खुशी दी गल करिए। लाइफ च खाली है सजना, ते आजा रल मिलिए, ढोल धमका मचा के खुशी दी गल करिए। मुंदरी दा थेवा बोले, अख दा इशारा बोले, रंग ला परांदा बोले, हीरी ए सोनी ए नच ले। Just like that, crunched through the offside.
Well, that's one of his favorite areas. You give him width, allow him to free his arms. They put you away in the Pakistan court, 7-8 and over. They can take another wicket quickly. आवाज बंद कर। हाँ जी अब्बा जी, नहीं मैं अस्पताल में नहीं हूँ। हाँ जी, मैं दाता साहब आया था चाचा जी की नियाज के लिए देगे चढ़ाने। हाँ हाँ, पूरी टीम देगे पड़ाव की चढ़ाई है और दो सर देगी। हाँ जी, और बस अल्लाह कबूल करने वाला। वो आप अगर भाई जान को अस्पताल भेजते हैं वो सुसर अकेले का सही, लेकिन चाचा तो दोनों का है ना। हाँ हाँ, ओके बाय। आवाज ऊंची कर। Oh, that is a shot too. One thing. Vizier. Well, he's on fire here at Wanderers. Oye, aaja yaar. Main kab se isko pakad ke yahan khada hua hu. Isko halal karne aaja, aaja. Lekin abba ji, main mujhe to doctor ne red meat khane se mana kiya. Mera matlab hai main isko kha nahi sakta. Na champe na rahan ka keema na sirf aaye. फिर इसको हलाल करने की क्या जरूरत है, लेने दे इसको दुनिया का मजा। अच्छा तू ऐवें तकरीर ना कर, इसको हाथ लगा दे बस। चलो ये सदके का बकरा है। अच्छा, क्या हाथ लगा। चलो आ जाओ, मुझे दे दे, मुझे दे दे। आ जाओ, शाबाश। ले भी आतम, और ये भी सदके के हैं, कहीं इन्हें गुजरा वाले के चिड़े पकौड़ों की तैयारी न समझ लेना। चल हाथ ला शाबाश, हाथ ला, ओए हाथ ला, ला शाबाश, दूसरे पासे ला। हाँ चल जाके ना शाबाश, चल चल आराम कर, जाके बैठ आराम कर। चलो भाई चलो। हातिम बहुत तुम बटूल बटूल करते थे, बटूल मेरी बहन, बटूल मेरी बहन। तुम्हारे हार्ट अटैक का सुन के भी नहीं आई, भाई झगड़ा तो उसका शाइन से था, तुमसे क्या नाराजगी। और सीधी तरह बोल, बटूल बटूल क्या कर रही हो, कोई नहीं है इधर, बटूल बोलो। हाय, वैसे तुम पाकिस्तान आके ना बिल्कुल एक टिपिकल पाकिस्तानी भाभी बन गए। शाबाश शाबाश। तुम पुत्र ये देख, रत्ती मिर्चे लेके आई हूँ बगैर डंडियों के। हाँ वो गॉड से बेची, ये इसको मिर्च मसालों से प्लीज दूर रखिए, और खास तौर पर ये लाल मिर्ची तो बहुत, इनकी तो स्मेल ही बहुत बुरी होती है। हाँ वो ब्लैक पेपर, आई मीन वो काली मिर्च, वो आप कभी कभी यूज कर सकती हैं, ये नहीं प्लीज। वाह नहीं, मैं सदके जावा तेरे, कुछ साल बाहर की रह आई हैं कि गुल बकौली बन गई हैं, भला काली मिर्चों से भी कभी किसी की नज़र की बला उतरी है। ये रत्ती मिर्चे बगैर डंडियों के इससे नजर उतरेगी। ये पुत्र ये देख, मैं तेरी नजर उतारने के लिए 7 फेरे डाल के इसको चूल्हे के ऊपर डाल के तेरी नजर की बला दूर हो जानी है इंशाल्लाह। मेरा पुत्र माँ सदके जाए। क्या क्या करती रहती हूँ, माय गॉड। तुम लोगों को, तुम चारों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि एक बात बतानी है तुमको, और वो बात ये है कि मैंने फैसला किया है कि हातिम को दिल का दौरा पड़ने के बाद मैं इस हक में नहीं हूं कि इनको दोबारा बाहर भेजा जाए, यही रहेंगे ये। लेकिन अब्बा जी, इसमें परदेश का क्या कसूर है, हार्ट अटैक कैसे यहाँ हुआ है, यहाँ से परहेज कराए ना। कुड़िये फैसला मैंने भी कर लिया है, मैं अपने बीमार भतीजे को अब बाहर के मुल्क में नहीं जाने दूंगी, तू और ये दोनों यहीं रहोगे। No way. ये कैसे हो सकता है, हातिम का इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा ब्यूटी पार्लर, सैलून, सारा की पढ़ाई, कैसे छोड़ के आ सकते हैं हम। हातिम बोलते क्यों नहीं। हाँ बाजी जाने दे, यार है कि भी परहेज ही करना है तो फिर क्या फायदा, जाने दे वही, खाने दे हमें टेंड फूड, उबले हुए मटर। भाई बात तो अब्बा जी की बिल्कुल ठीक है, भाई प्यो का दिल है कैसे मुतमयन होगा। लो जी बात कुलसूम की भी बिल्कुल सही है। अब्बा जी अगर ये यहाँ रहने का मुस्तकिल फैसला कर भी ले तो वहाँ से सब कुछ समेटते समेटते 2 साल तो लगेंगे।
आहार इतना बड़ा कारोबार है। Of course, you're right. देखिए ना, इतना बड़ा बिजनेस है, उसको तो संभालना ही इतना मुश्किल है, तो वाइंड अप करना तो बहुत ही मुश्किल है, impossible है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अपने पोते को आप लोगों के साथ भेज दूं। मतलब है अब्बा जी? मतलब ये है कि हातम का भतीजा मेरा पोता और तुम्हारा बेटा। अब समझ आई है या और रिश्ते समझाऊं? लेकिन अब्बा जी, इसकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं, हातम को जरूरत है। अब्बा जी, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे परहेज और मुकम्मल आराम की जरूरत है। उसने ये नहीं बताया कि मुझे एक भतीजे की भी जरूरत है। ना आत्म पुत्र, वहाँ बाहर के मुल्क में तुझे परहेज कराएगा कौन, आराम कौन कराएगा? ये जनानी तेरी हुलिया वेख, उसका चीनी की गुटी पता नहीं टूटती कैसे है। बेजी, आराम का तो पता नहीं, वैसे परहेज ये बहुत टाइट किस्म का कराती है। भाई बात ये भी ठीक है, क्योंकि कुलसूम तो वहाँ जाके अपने ब्यूटी खाने में मसरूफ हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, ब्यूटी खाना नहीं, सैलून पार्लर। दफा करें इन सबकी बातों को। अब्बा जी मुझे तो बताएं, मेरा कौन सा पुत्र जाएगा इनके साथ? ओ चली न हुए थे, अभी तो बताया मैंने कि इसका भतीजा मेरा पोता और तेरा बेटा जाएगा। मेरा पुत्र, पर कौन सा वाला ना तो बताए ना। निशीन छे पुत्र नहीं, दो ही ते हैं, अल्लाह जिंदगी करे ते असगर जाएगा। असगर और बाकी रहा मौलवी, वो तो परदेश कहाँ जाएगा वाइन के साथ, वो तो लाहौर जाते हुए शर्माता। गुड, असगर जाएगा, वेरी गुड। इसका मतलब है कि बैकी भी हमारे साथ जाएगी। ओ चलो अच्छा है, घूम फिर लेंगे, नई नई शादी हुई है ना। आजकल कुछ ज्यादा नींद नहीं आती, और वो भी बहुत जल्दी। पापा की टेंशन की वजह से जल्दी सो गई थी, वरना मुझे कहाँ नींद आती है। कमाल है, ओ मैंने तो सुना था लोगों को टेंशन में नींद नहीं आती, और तुम सो गए। इतने दिन तो जागती रही थी मैं, परसों का पूरा दिन पूरी रात हॉस्पिटल में कौन जागा था, मैं जागी थी। अब बाबा के डिस्चार्ज होने के बाद घर आके भी नाज होती क्या? ओ नहीं नहीं, सोया करो तुम, सोया करो, लेकिन मेरा इंतजार तो कर लेती। इंतजार करने के बाद भला कौन सोता है? क्यों नहीं सो सकते? इंतजार है ही इतनी बोरिंग चीज, जिसके आने से नींद भाग जाती है। और फिर तो तुम मेरा रोज इंतजार किया करो, मेरे आने तक और मेरे आने के काफी देर बाद तक तुम्हें नींद ना आए। You know what, Asghar? आपने हमेशा अपनी अम्मी को आपके बाबा का इंतजार करते देखा, और मैंने हमेशा अपने बाबा को मेरी अम्मी का इंतजार करते देखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी अम्मी की तरह बन जाऊं, तो फिर मैं भी डिमांड करूंगी कि आप मेरे बाबा की तरह बन जाएं। वही करना पड़ेगा जैसे मेरे बाबा मेरी मामा के साथ करते। मतलब ये भी मुझे कुलसुम चाची की तरह कमा कमा के खिलाएगी और ऐश कराएगी। लगता है इसके भेजे में ये बात समा गई है कि मैं इसके लिए वो सब नहीं करने वाली जिसके ख्वाब इसने देखे।
मामा बाबा ने इंसिस्ट किया फिर तो बाहर जाना पड़ेगा ना। असगर को क्या एतराज होगा, अगर उसे एतराज हुआ भी तो मैं कोई बहाना बना के उसे ले जाऊंगी। और वैसे भी मेरे साथ वहां जाके हमारा वहां का लाइफस्टाइल देख के तो वो वापस आने का नाम भी नहीं लेगा। और अगर फिर असगर ने वापस आने से इनकार कर दिया तो असगर मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं जुमे की नमाज पढ़ा है भाई। आज मेरा ख्याल है कि बुध का दिन है, जुमे की नमाज आपने बुध को ही पढ़ ली। मैं तुम्हें दावत नमाज से कोई नाकाम कोशिश करने नहीं आया था, मैं तो मेरे भाई आया था। ये क्या है सर? ये मेरे हनीमून की टिकट्स हैं। हनीमून? इतने अफसोस और दुख के साथ? मैं बस ये सोच रहा था सर कि इंसान सोचता कुछ है और वो कुछ और जाता है। क्या मतलब क्या हुआ? हौसला करना मेरे भाई, इंसान को रिश्तों के मामले में दिल बहुत बड़ा करना होता है और मोहब्बत तो यूं भी बहुत कुर्बानियां मांगती है। ये आप अकवाले जरी बाद में दोहराइएगा, असल बात बताइए। असल बात ये है कि तुम हनीमून के लिए मरी नहीं जा सकते। वहां भी नहीं जा सकते? अरे भाई कम से कम मरी तो जाने दो, हमारे तो गाँव का कुचवान भी वहां पे हनीमून मना के आ चुका है। ये तकदीर का फैसला है इसका, तुम्हें मानना ही होगा। और वैसे भी बुजुर्गों के फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम करना तो हमारा शेवा है। किसका सर? क्या करना है उसके साथ, किसकी शेव बनानी है? सरे तस्लीम खम शेवा। ये मुंशी आलम फाजिल की क्लास बाद में लीजिएगा, असल बात बताइए। असल बात ये है असगर के बड़ों ने फैसला किया है कि तुम चाचा हातिम और चची कुलसूम के पास लंदन जाओगे, वहीं उनके पास रहोगे ताकि उनका ख्याल भी रख सको और उनके बिजनेस को भी देख सको। इसलिए बड़े दुख और बहुत ही अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि तुम हनीमून के लिए मरी नहीं जाओ। मेरा तो पहले से ही दिल था कि तुम लोग हमारे साथ ही चलो, अगर ये लोग हैं तो जाहिल कवार बेवकूफ लोग ना, मैंने सोचा माइंड ही ना कर जाए, जरा जरा सी बात पे इशू बना लेते हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, तुम लोग हमारे साथ चल रहे हो ना। वो तो ठीक है मामा, लेकिन लेकिन क्या तुम कोई खास खुश नहीं हुई ये बात सुनकर? नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर 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 क्या? कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस वो अचानक से न्यूज़ मिली ना इसलिए यकीन नहीं आ रहा। वाओ मैं आपके साथ जा रही हूँ। असगर भी? हाँ असगर भी। कितना मजा आएगा, मैं सारा को बताती हूँ ठीक है। ये तो सब उल्टा हो रहा है, अगर मैं मना भी तो नहीं कर सकती, मॉम समझेंगी कि मैं बाबा की नर्सिंग के डर से नहीं जा रही। ओह गॉड, कितना गोल्डन चैन से बाबा का ख्याल रखे उनकी गुड बुक्स में आने का, उनके दिल में ज्यादा जगह पाने का। लेकिन ये असगर साथ ना हो तो हाय निशादा ऐदा ऐदा सिरा बेजी। हाँ ऐ पीले दा सिरा फाड़ के रखना बेजी, आज गया ये ले बेजी। सोचो हाँ, हाँ, ओ फाड़ बेजी, नमी नमी उन दोनों की शादी हुई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना तो सही नहीं है ना। नहीं बेड़ा तरनी है, वेख नहीं रही, कभी इसका इसका सिरा गायब तो कभी ओदा सिरा गायब। बेजी पहले मेरी गल तो सुनो ना। चुप कर, किल किल ना पा। हाँ फाड़ फाड़ गो के फाड़। बुढ़ी मेरी जान,
कलम कली मैं 9-10 गोले बनाए ने बजाए दे आके कि मेरे काम कराए अपनी वखरी किलकिल पाई है। जा जान छद मेरी, जा जाके काम कर, जा काम कर अपना ना मेरा सिर खा जा। कोई फायदा नहीं तुहाडे नाल कोई भी गल करन दा। हाय हाय शादा ओ की फड़ ए एदा सिरा फड़ ऐसी ए जेड़ा मैं पई करदी हां। लिया तुम्हें पता चला? आप हमेशा इतने दबे पांव आते हो कि मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अपने आने की नहीं हमारे जाने की बात कर रहा हूँ। मैंने तो फुल प्लान बना लिया था मरी का, टिकट्स की बुकिंग भी करा ली थी, होटल का स्टे भी करा लिया था, लेकिन हमारे नसीब में नहीं है शायद मरी जाना। तो फिर हम नहीं जाएंगे। मरी? नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। मैं मामा को बोलूंगी कि असगर ने इतने प्यार से टिकट्स खरीदे हैं, हनीमून की प्लानिंग की है। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती, मैं उनका मूड नहीं खराब कर सकती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कदम मत करना। मेरा मतलब माँ बाप की नाफरमानी करना, उनकी हुक्म दौड़ी करना, इस बात का तो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तौबा 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 तौबा। क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं वो रानों और गुलाबों के साथ ट्यूबवेल और कुओं की फोटोग्राफी करने आई थी। आपको देखा तो सोचा आके थैंक्स ही कह दूं। वो किस लिए? पापा को टाइम पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए, सारी रात वहां उनके पास रुककर उनकी केयर करने के लिए, और भी बहुत। देखें, मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए मुझे किसी शुक्रिया की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो मेरे चचा हैं, उनके लिए कुछ भी करना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन वो मेरे फादर हैं, उनके लिए ये अगर उनके भाई या मेरे दादाजी भी करते तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती। इसलिए आपके लिए बिग 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 बता कि अगर हातम के साथ असगर बाहर चला जाता है तो तुझे क्या तकलीफ है? हाँ बोल। पाजी, ये आज असगर इसके पेकों की तरफ जाने के लिए कहे ना तो ये एक मिनट ना लाए, ये मामे की खिदमत के लिए उसको भेज देगी पर चाचे के लिए नहीं भेजेगी। नहीं कमलिए, वो उसका चाचा ही नहीं है, उसका सौरा भी है। फिर पाजी ऐसी दूर क्यों जाइए, अपने घर में देख लो अपना लुकमान। सारी जिंदगी सौरे की जुतियों में बैठ के गुजारी उसने। नी कुड़िए, 4 दिन अपने पुत्र नु भी तो सवाब खटन दा मौका दे। बेजी, आप ना बात को कहीं से कहीं ले जाती है। कोई मेरी बात समझने की कोशिश तो करे। है पागल, वो तू खुदा दे वास्ते किसी को समझाने की कोशिश कर। देखिए अम्बा जी, उन दोनों का नवा नवा ब्याह हुआ है, अब वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे या आतम का?
और वैसे भी उनके हंसने खेलने के दिन है, आप उनको वक्त ना डालें। काकी, ये औलाद का फर्ज होता है। सारे फर्ज औलाद के होते हैं, बड़ों का कोई फर्ज नहीं होता। बस कह दिए मैंने, उनका हनीमून पक्का है। हाय मेरे बच्चे ने इतने अरमानों से टिकट खरीदा है, पैकिंग भी कर ली है, उधर होटल में कमरा भी उसका बुक हो गया है, तो आपने सारा प्रोग्राम पकड़ के चौपट कर दिया। देखे ना अब्बा जी, आप कहेंगे तो शर्मो शर्मी जाने का मन जाएंगे वो, पर बंदे को खुद भी तो सोचना चाहिए ना। ओए मैं तो काकी परेशान हो गया वादा करके, अब तुम खुद ही बताओ कि आखिर किसी ना किसी ने तो हातम के साथ जाना ही है ना वलैत। बाजी गल मुक गई, मैं जाऊंगी हातम के साथ वलैत। आओ। ओ तेरा भला हो जाए। ओ बीबी खुदा का खौफ कर, ना तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, ना तूने कभी स्कर्ट पहना है, और ना ही तेरे पास वो किताब है जिसे पार्ट पोस्ट कहते हैं। पाजी मेरे पास है वो शिनाख्ती कार्ड। बेजी शिनाख्ती कार्ड पे ना बाहर के वीजे नहीं मिलते। हौली बोलनी, चूल्हे में पा ऐसे शिनाख्ती कार्ड को जिसका मुझे इतना भी फायदा ना हो। है समझ नहीं आता कि आखिर कौन जाएगा उसके साथ। अकबर चौधरी। ओए याला, तुम भी बस यहाँ से खाली हो। ओए ओ मौलवी जाएगा वलैत, शाबाश, नामुमकिन। मैं खुद मनाऊंगी अपने बेटे अकबर को। मैं अम्मी, मैं हाँ तू मेरा सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे फर्मा बरदार पुत्र है तू। नहीं अम्मी, मैं मान नहीं जा सकता, वहाँ मेरे ईमान को सख्त खतरा लगा। हाँ हाय, कैसा खतरा, वहाँ मुसलमान नहीं होते क्या? होते हैं वहाँ मुसलमान, वैसी जैसे चाचा और उनकी फैमिली है, आधे पौने मुसलमान। पर पुत्र, मैंने तो सारों के सामने आम ही भरी है कि मेरा पुत्र मुझे कभी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको असगर को भेजने में क्या एतराज है अम्मी, वो तो वैसे भी तैयार ही होगा। आए, इसी बात पे तो एतराज है कि वो जरूरत से ज्यादा तैयार हो गया। पे देखना, अकेला जा रहा होता ना तो मैं भेज देती। चलो माँ की मोहब्बत में ना सही, बीवी की मोहब्बत में वापस खिंचा चला आएगा। पर जाहिर है कुलसूम और आतम को तो बेटी के बगैर दिमाग नहीं ना बहने लगा, और अकबरी एक बारी वहां गई ना तो शर्त लगा ले कभी वापस नहीं आने लगी वो। बड़े अफसोस की बात है, अगर आपको उस पर इतना एतमाद नहीं था तो उसको बहू बनाने की क्या जरूरत थी? हाय पुत्र, नवी नवी शादी हुई है, इतबार भी हो जाएगा, रच बस जाएगी शुद्धि इस माहौल में। पर मैं नहीं चाहती कि असगर पहले ही वहां जाके रच बस जाए, वहीं का हो जाए। ये खतरा तो आपको अम्मी मेरे लिए होना चाहिए, वो तो शादी शुदा है, अपनी बीवी के साथ जाएगा, लेकिन मैं तो कुंवारा हूँ अम्मी, बिल्कुल अकेला, ऐसा ना हो कि वहां जाके मेरे पैर फिसल जाएं।